प्रार्थना मेरा संभाव संतुष्टि की बढ़ाई व बुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि वो वृत्ति अपना कर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का व्रत बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यह युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सेना दिनांक 8 अप्रैल 2014 से संभव समदृष्टि के स्कूल में आरंभ हुई आत्मज्ञान की पढ़ाई के द्वारा प्रत्येक मानव जीवन के अनेक महत्वपूर्ण विषयों एवं पहलुओं पर जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इस क्रिया में यथा समय सफलता प्राप्त करने हेतु संतोष धैर्य पर बने रह सच्चाई धर्म के रास्ते पर चलने का परम पर पुरुषार्थ दिखाने हेतु बाल्यावस्था से ही भौतिक ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आत्मिक ज्ञान ग्रहण कर उसे कुशलता से अपने आचार विचार व व्यवहार में उतारना अति आवश्यक है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत क्या आप जानना चाहते हो कि बाल्यावस्था से ही भौतिक ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना क्यों आवश्यक है? तो आओ प्रश्न उत्तर के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन द्वारा भौतिक ज्ञान प्राप्ति व आत्मज्ञान प्राप्ति से जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। इस हेतु सर्वप्रथम बताओ कि आत्मा के बिना शरीर क्या है? जड़। इसी तरह आत्मिक ज्ञान प्राप्ति के बिना बुद्धि क्या है? जड़। बुद्धि जड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि भौतिक ज्ञान जड़ पदार्थों का ज्ञान कराता है। अब बताओ आत्मिक ज्ञान किस यथार्थ से हमारा परिचय कराता है? अपनी नित्यता के यथार्थ से कि मैं अजर अमर हूँ निर्भय हूँ। और भौतिक ज्ञान किस यथार्थ से हमारा परिचय कराता है? संसार नश्वर है। आत्मिक ज्ञान से कौन से भाव का विकास होता है? आत्मीयता के भाव का। भौतिक ज्ञान से कौन से भावों का विकास होता है? स्वार्थप्रद भावों का। आत्मिक ज्ञान प्राप्ति से
मानव को क्या लाभ होता है? इससे चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण इसलिए क्योंकि आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एक आत्मज्ञानी को अंतर्निहित मानवता का बोध हो जाता है और वह फिर तदनुरूप ही आचार विचार अपनाकर व्यवहारिकता दर्शाता है। याद रखो, एक आत्मज्ञानी ही मानवोचित व्यवहारिकता दर्शा सकता है। इसके विपरीत एक भौतिक ज्ञानी अपने आचार व्यवहार द्वारा मानवता के स्थान पर मन मत का प्रदर्शन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी व्यवहारिकता का रूप भौतिकवाद के अनुरूप ढला होता है। क्योंकि भौतिक पदार्थों का रूप पल प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है, अतः भौतिकवादी जो धारणा करता है वह व्यवहारिकता दर्शाता है, वह भी पल प्रतिपल बदलती रहती है और उससे भौतिकता का स्पष्ट प्रदर्शन होता है। इसके विपरीत नित्य स्वरूप में स्थिर रहने के कारण एक आत्मज्ञानी सदा सात्विक व यथार्थ धारणा करता है व तदनुकूल ही व्यवहारिकता दर्शाता है। इस प्रकार उसकी करनी से सदा यथार्थ प्रकट होता है। इस संदर्भ में यह भी जान लो कि आत्मज्ञान अंतर्निहित यानी अंतर में विद्यमान मानवता के भाव को जागृत करता है, जिसे ग्रहण कर बुद्धि विवेकशील बनती है और मानव जागृत अवस्था में बने रहे सचेतन व्यक्तित्व वाला इंसान कहलाता है। जबकि भौतिक ज्ञान अंतर्निहित मानवता की हिंसा कर हमारी बुद्धि को जड़ बनाता है और मानव अज्ञानमय अवस्था में बने रहे अचेतन या अवचेतन व्यक्तित्व वाला मिथ्याचारी इंसान कहलाता है। जान लो कि अंतर्निहित मानवता को दबाना यानी प्रयोग में न लाना निजी व्यक्तित्व की हत्या करना है, जो महापाप कहलाता है। तभी तो दुष्चरित्रता से ग्रस्त हो अपने व दूसरों के प्रति अपने आचार व्यवहार द्वारा इस गुनाह को करने वाला व्यक्ति मौत से सदा भयभीत रहता है। तात्पर्य यह है कि उसका दिल दिमाग हमेशा डरता रहता है कि कहीं इस पाप के दंड के रूप में मौत का चक्रव्यूह उसे अपने आगोश में न समेट ले। उसका यूं भयभीत होना सत्य ही होता है, क्योंकि हकीकत में ईश्वर प्रदत्त मानवता यानी निजी यथार्थ व्यक्तित्व की हिंसा करने वाले अपराधी मानव को मौत अपने चक्रव्यूह से निकलने नहीं देती। याद रखो, जन्म जन्मांतरों तक मोह माया की फांसी यानी मौत की यह त्रास भुगतना अति कठिन व कष्ट प्रदायक होता है। तभी तो इस पीड़ा से त्रस्त मनुष्य के मन में सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई व धर्म के स्थान पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार घर कर जाते हैं, जो उसकी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वस्थता को क्षीण कर उसे आदि व्याधि का शिकार बना देते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा मानव कामनाओं का दास हो जाता है और स्वार्थपरता अनुसार जीवन जीना आरंभ कर देता है। फिर ना तो अपने जीवन के कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाने के योग्य रहता है और ना ही जीवन के परम पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को सिद्ध कर पाता है। अतः इस दुखदायी परिणाम को जानकर अपना व अपने बच्चों का इससे बचाव करो और इस हेतु सात्विक आहार व आत्मिक ज्ञान धारणा करना सुनिश्चित करो, ताकि हमारी शारीरिक व मानसिक स्वस्थता बनी रहे और मानवता अनुरूप हमारा निजी वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर सामने आए। इस प्रकार हम
एक सच्चरित्र धर्मात्मा व्यक्ति कहलाने के योग्य बन अपनी संतानों को भी सद्मार्ग पर अग्रसर कर सकें। इस हेतु सतर्क रहो ताकि आपसे जीवन काल में मानवता के विपरीत अब कुछ भी ना हो। याद रखो, यदि आप यह निश्चय ले लेते हो और वैसा ही करना सुनिश्चित करते हो तो मात्र इतना करने से ही आपका ख्याल सदा स्वच्छ, दृष्टि कंचन और जीवा स्वतंत्र बनी रह सकती है। इसके विपरीत यदि हम आत्मिक ज्ञान के वर्तवर्ताव में प्रवीण नहीं होते तो चाहे हम जीवन में जितना भी गा लें कि ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा और ना ही किसी का बुरा करूंगा, हकीकत में वैसा कर पाना संभव नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यदि आत्मीयता के व्यवहार में हम निपुण नहीं हैं तो हम चरित्रवान नहीं बन सकते और ना ही अपने जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं। फिर कैसे हम सुख समृद्धि के अधिकारी बन सकते हैं? इस तरह हम तो तब रोने झुकने को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। यही रोना झुकना ही फिर हमारी सोच में बना रहता है, वही हमारी बातचीत द्वारा प्रकट होता है और वही हमारे कर्मों द्वारा परिलक्षित होता है। यह हैवानी बुद्धि की निशानी होती है जिससे मन में संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं और अशांति का वातावरण पनपता है। उपरोक्त समस्त बातचीत को विचार कर हम सब ने अपना आत्म निरीक्षण करना है कि हम हैवान हैं या इंसान हैं। क्या है, हैवान है या इंसान है? इंसान है। इंसान है तो इस हैवानी बुद्धि से ग्रस्त होना क्या हमें शोभा देता है? नहीं, नहीं शोभा देता। यदि ऐसा करना हमें शोभा नहीं देता तो आत्मज्ञान धारणा करना सुनिश्चित करो। यदि ऐसा करना हमें शोभा नहीं देता तो आत्मिक ज्ञान धारणा करना सुनिश्चित करो। अपने बच्चों को भी इसी सद्मार्ग पर ले आओ और बाल्यावस्था से ही उनके अंदर इस ज्ञान धारणा के प्रति रुचि पैदा करो ताकि युवावस्था आने तक वह मानवता अनुरूप अनुशासन अपनाकर आत्मज्ञानी बने व इस तरह ईश्वर के कर्तव्यपरायण सुपुत्र कहलाएं। इस संदर्भ में याद रखना कि यही एकमात्र वह युक्ति है जिसको सही तरीके से अमल में लाकर मानव खुद एक अच्छे व नेक इंसान के रूप में ढलकर सभी जीवों से आत्मीयता यानी सज्जन भाव अनुसार व्यवहार करने के योग्य बन सकता है वह औरों को भी सही ढंग से प्रेरित करते हुए इस जगत में पुनः सुख शांति व एकता के वातावरण का निर्माण करने का कार्य सिद्ध करने में निष्काम भाव से सहयोगी बन सकता है। सज्जन श्री शहनशाह महावीर जी के द्वारे पर होने के नाते अपने इस परम कर्तव्य को यथा समय सही ढंग से निभाने के लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना है और इस उद्देश्य पूर्ति की सफलता हेतु हमें किसी प्रकार के त्याग से नहीं सकुचाना है। इस पुण्य कार्य के सिद्धि हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार आत्मज्ञान की पढ़ाई व गुढ़ाई करने की समय बाद योजना हमें इस प्रकार बताई गई है। ध्यान से सुनो। प्रथम त्रैमासिक योजना के अंतर्गत सज्जनों ने सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के निम्नलिखित पैगाम वाले कीर्तनों के भावार्थ को समझते हुए व अमल में लाते हुए अंदरूनी और बहरूनी वृत्ति दोनों का रोना झुकना बंद करना है, अर्थात जिह्वा स्वतंत्र और अफुर अवस्था को
धारण करना है। यह कार्य सिद्धि सज्जन भाव के वर्त वर्ताव द्वारा सहजता से हो सकती है। द्वितीय त्रैमासिक योजना के अंतर्गत पहले सबक को यादगिरी में रखते हुए सज्जनों ने अब तक अपनाए कलियुगी भाव स्वभाव हटा हौमय को मिटाकर यह शरीर रूपी घर सतयुग बना लेना है। इसके साथ ही विराट दृष्टि अर्थात सर्वव्यापक भगवान देखना पकड़ना और इसी वृत्ति पर खड़े होकर ब्रह्म वृत्ति अर्थात एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन को ठहरा लेना है। ब्रह्म वृत्ति पर स्थिर बने रहने के लिए प्रत्येक सज्जन को ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है, ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्म स्वरूप क्या है, इसकी यथार्थता का बोध होना आवश्यक है। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार वृत्ति है जे एहो कमाल, वृत्ति है जे एहो विशाल, इसी द्वारा ही जीत जीत और फतेह फतेह है। विराट दृष्टि पर खड़े होकर ब्रह्म वृत्ति को कैसे ठहराना है ध्यान से सुनो। जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ और दृष्टि कंचन करके इसी के साथ इस अंतराल में बुजुर्गों बच्चों और गृहस्थ के फर्ज अदा के प्रति अपनी जांचना कर लेनी है और अपने आप को गृहस्थ आश्रम ठीक ढंग से चलाने के लिए व हर एक के प्रति अपना फर्ज अदा हंसकर करने के लिए कहना व समझाना है। तृतीय त्रैमासिक योजना के अंतर्गत अब तक पढ़ाए गए सबक के बारे में अपनी जांचना तुलना कर उस पर परिपक्वता से तैयार होने के साथ साथ विचार शब्द तथा संभाव समदृष्टि को परिपक्वता से ठहरा लेना है। चतुर्थ त्रैमासिक योजना के अंतर्गत इस अंतराल में सज्जनों पूर्वोक्त सबक को दोहराते हुए अपनी परिपक्वता व कमजोरी की जांचना कर अपना नतीजा परख लेना है। इस तरह अपना नतीजा समझकर सज्जनों अपनी जो भी कमजोरियां समझ में आए उन्हें महामंत्र श्री राम ओ रोम रोम में रम रेहा हर जनचर में जड़ प्रकाशे चेतन प्रकाशे श्री राम ओ रोम रोम में रम रेहा हर बंचर में साडा है सज्जन राम राम है कुल जहान के गुप्त व अजप्पा जाप द्वारा दूर कर लेना है और अंत में मन में पढ़ना है मैं तू जगत तू आप ही आप हो मेहर करो मेहर करो मेहर करो। इस प्रकार समभाव समदृष्टि के सबक पर परिपक्वता से पूर्णतया खड़े होकर आना है। याद रखो सज्जनों अगर हम एक निगाह एक दृष्टि पर फतेह पा गए तो सम का कोई सवाल नहीं, हमें दिव्य दृष्टि का सबक मिलेगा। वह सबक क्या है? अपनी असलियत की पहचान। जेड़ा मन मंदिर प्रकाश ओही असलियत ज्योति स्वरूप मेरा अपना आप। एक निगाह ओ एक दृष्टि ओ एक दृष्टि ओ एक दर्शन जंचर बंचर ओ जड़ चेतन ओ एक दर्शन ओ एक दर्शन। यह है सज्जनों सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित युवा अवस्था की भक्ति अर्थात संभाव समदृष्टि की युक्ति यानी आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई व गुणाई द्वारा सज्जन भाव के वर्त वर्ताव को आत्मसात करने का तरीका जिसको सही ढंग से अपनाने पर ही एक मानव को एक तो बल की प्राप्ति होती है और दूसरा शक्ति ताकतवर हो जाती है जिससे उसका कुसंगी संकल्प संगी हो जाता है। जानो ऐसा होने पर संतोष धैर्य सच्चाई धर्म के सवाल हल हो जाते हैं, फिर
सम का कोई सवाल नहीं रहता और नौजवान युवा अवस्था आ जाती है। यह मानव के उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होने की अवस्था होती है। यही अवस्था उसकी भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर होने की प्रतीक होती है। यही तो होता है मानव को अपने निज यथार्थ का बोध होना और फिर नित्य भाव से अपने सभी कर्तव्यों को निर्भयता से न्याय संगत व परोपकार प्रवृत्ति से निभा पाने का पुरुषार्थ व पराक्रम दिखा पाने के योग्य बनना यानी आत्मतुष्टि द्वारा निज यथार्थ रूप में बने रहे इस जगत में यथार्थता निर्लिप्तता व अकर्ता भाव से विचरना। याद रखो ऐसा व्यक्ति ही यश और कीर्ति का सुपात्र। अंततः हम सज्जनों से प्रार्थना करते हैं कि सभी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित इस जीवन अनुशासन को समझ व विधिवत अपनाकर ईश्वर के सपुत्र बन सदा पुण्य कर्म ही करें ताकि सभी के हृदय में पारिवारिक व सामाजिक वातावरण में ऐसा सुकर्मों का राज्य स्थापित हो कि सभी ही परमार्थ बन कर्म भोग से निजात पाएं। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अगर अपने आप को उपरोक्त अनुशासन अपनाने हेतु बाध्य भी करना पड़े तो ऐसा करना ईश्वर का आदेश आज्ञा उपदेश एवं शिक्षा माने। अपने शुभ चिंतक मन अविलंब इन वचनों की पालना नियम अनुसार करना आरंभ कर दें और इसके प्रति सही दिशा में यत्नशील रहें। इस परख के लिए समय समय पर आत्मनिरीक्षण कर अपनी कमियां खोजना ना भूलें और फिर इन कमियों के सुधारे तो मजबूत आत्म नियंत्रण रख समय पर आत्म सुधार करें। इससे आपकी अंदरूनी व बाहरूनी दोनों वृत्तियों का रोना झुकना बंद हो जाएगा और मन मस्तिष्क की सम अवस्था की शांति शक्ति के प्रभाव द्वारा सभी पारिवारिक जनों के साथ प्रेम शांति व एकता बनी रहेगी। ध्यान से सुनो, इससे आपकी अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों का रोना झुकना बंद हो जाएगा और मन मस्तिष्क की सम अवस्था की शांति शक्ति के प्रभाव द्वारा सभी पारिवारिक जनों के साथ प्रेम शांति व एकता बनी रहेगी। याद रखो ये हमारी शारीरिक व मानसिक स्वस्थता के लिए अति आवश्यक है और यही अवस्था और यही स्वस्थता हमें अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के योग्य बनाती है जिससे हम राग द्वेष वैर विरोध काम क्रोध व लोभ मोह आदि के भ्रम जाल से निकल स्वतंत्र बुद्धि हो सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। इस प्रकार हम पुण्य कर्मों द्वारा जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा पा परम पद प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं।